2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। इसी के बीच आज वर्चुअली बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे और संयोजक पर चर्चा हुई। अभी तक यही सवाल था कि नीतीश को मिलेगा संयोजक पद या फिर किसी नए मोड से उथल पुथल मचेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस पांचवी बैठक के बाद काफी कुछ साफ हो गया है, क्योंकि सीएम नीतीश ने बैठक में संयोजक का पद लेने से इनकार कर दिया था। कहा कि उनकी रुचि नहीं है और सलाह दी कि कांग्रेस से ही किसी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसके बाद एक बार फिर से संयोजक पद पर पेंच फंस गया है। पर इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाने का फैसला लिया गया। गठबंधन की इस वर्चुअली बैठक में 10 दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, शरद पवार, डी राजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल शामिल रहे। हालांकि बैठक से पहले ही विपक्ष को झटका लगा, जब सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। हाल में हुई ये दूसरी बैठक है, जिससे टीएमसी ने किनारा किया। माना जा रहा है इसके पीछे बंगाल में कांग्रेस को सीट देने पर जो पेच फंसा है, उसकी वजह से ममता दूरी बना रही हैं। साथ ही शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन आज विपक्ष ने आखिरकार एक चुनौती को पार कर लिया, क्योंकि गठबंधन का संयोजक या मुखिया कौन होगा, ये बड़ी चुनौती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो सीट शेयरिंग की है। आगामी चुनाव में बमुश्किल 3 से 4 महीने बचे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन अब तक यही नहीं तय कर पाया है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।